ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट लेसन है, उसका नाम है ज्ञानी। क्या नाम है? ज्ञानी। हड़ू हड़ू हड़ू। ओके सॉरी, देन क्या है देखिए इस लेसन में हमें यहाँ पे दो दोस्त है और या फिर दो नेबर कहेंगे हम। एक है बंडू भाऊ और दूसरा है सुदामा। बंडू भाऊ मराठी व्यक्ति है और सुदामा हिंदी व्यक्ति है। दोनों का परिवार सामने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते और खेलते हैं। दोनों परिवार के एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा लेकिन भिन्न है। देखिए दोनों की मातृभाषा क्या है? भिन्न है। बंडू भाऊ मराठी बोलते हैं और जो सुदामा जी है वो क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। अब इससे होता क्या है, कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो मराठी में उनका अर्थ मीनिंग अलग होता है और कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनका हिंदी में, मतलब एक ही शब्द होता है उसका हिंदी में अर्थ अलग होता है और मराठी में अर्थ उसका अलग होता है। तो हमें क्या होता है, इस वजह से थोड़ी सी कभी कभी मजेदार मतलब या फिर थोड़े से हंसी की चीजें वहां पे होती है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। बताए बहुत सारे शब्द ऐसे हम देखेंगे इस चैप्टर में। ऐसे ही स्थिति आज भी बनी है, ऐसे स्थिति आज भी बनी है सुदामा और किसके बीच में? बंडू भाऊ के बीच में। बंडू भाऊ कहते हैं मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। क्या कह रहे बच्चे? बरसात में भीग रहे। कौन कहता है? बंडू भाऊ। मैंने मना किया था बरसात में भीगो मत, भीग रहे, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। अंदर बुलाकर उन्हें क्या करो? शिक्षा दो। माटी बंद ना चांगली शिक्षा दे आत्मदे बोलो का कारण थे पावसत भीजता है। अरे बारिश में ना भीगना नहीं है क्योंकि पता है बारिश में भीगोगे तो आप बीमार हो जाओगे। तो सुदामा कहता है अरे बंडू भाऊ मैं क्यों शिक्षा दू, शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। देखो यहाँ पे मराठी में शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है उनको पनिशमेंट देना। क्या होता है उसका अर्थ? पनिशमेंट होता है मराठी में। लेकिन वही शब्द जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो उसका अर्थ होता है एजुकेशन। क्या अर्थ होता है उसका? एजुकेशन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक ही शब्द है उसके अलग अलग अर्थ होते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। पनिशमेंट आता है यहाँ पे, समझा? ओके सो नेक्स्ट बगा बंडू भाऊ, अरे तो क्या ऐसे बच्चे ऐसे भीगते रहेंगे? सुदामा कहता है अरे बच्चे तो बंदर होते हैं इसलिए खेलते ही रहेंगे। बंदर, अरे बंदर अगर हिंदी में हम देखेंगे तो बंदर को हिंदी के हिंदी में जो मतलब होता है उसका मतलब होता है मंकी। लेकिन अगर यही बंदर हम मराठी में जाएंगे तो मराठी में उसका नाम होता है, उसका होता है अर्थ होता है पोल्ट, POLT, पोल्ट। समझा? लेकिन जब आसपास कई समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? बंदर पर कैसे जाएंगे? अगर मराठी में बंदर मनता पर बंदर मन पोल्ट, हिंदी में बंदर मतलब मंकी। देयर इज यही होता है और इसकी वजह से क्या होता है हंसी खुशी मतलब थोड़ा सा मनोरंजन जैसा वहां पे हो जाता है। अच्छा जरा बैठो मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला जाता हूँ। अंडम कहता है अरे तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? अभी देखो उन, उनका मतलब क्या होता है मराठी में? उनका मतलब होता है सनलाइट, सूर्य प्रकाश, एंड हिंदी में उनका मतलब क्या होता है? क्या होता है बोलो? वूल होता है। क्या होता है? वूल होता है, राइट? क्या होता है? वूल होता है। तो ये दोनों हो गया फिर। अच्छा यह सब छोड़ो, मैं बेटी को खत भेजा कि नहीं? बेटी को खत भेजा कि नहीं? पंडव अरे सुदामा खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? खत का मतलब होता है हिंदी में, हिंदी में खत का मतलब होता है लेटर। एंड मराठी में खेत, सॉरी खत, मराठी में खत, खत मतलब होता है फर्टिलाइजर्स। क्या होता है? फर्टिलाइजर्स। तो ये आपका डिफरेंस होता है लैंग्वेज में, समझा? यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती, तो यह शायद यह स्थिति नहीं बनती।
अगर वो दोनों भी क्या पढ़ते हैं, हिंदी और मराठी दोनों को आती, तो शायद उन दोनों में, उन दोनों को समझने में कठिनाई नहीं होती। इसे कहते हैं कि जितनी भाषाएं हम सीखेंगे, जितनी भी अधिक भाषाएं हम सीखेंगे, उतना ही हमारा क्या बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा हमारा, उतना ही ज्ञान हमारा बढ़ता है। इसलिए हमें जितनी भी भाषाएं समझ में आनी है या फिर जितनी भाषा हम समझ सके, सीख सके, उसमें हमें सीखनी है। देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये जो समुच्चारित शब्द है, मराठी अर्थ और हिंदी अर्थ। शिक्षा मराठी में उसको कहते हैं दंड, पनिशमेंट, और शिक्षा मतलब पढ़ाई। बंदर का मतलब होता है बंदरगाह मराठी में, और हिंदी में होता है वानर, मंकी। ऊन मतलब धूप, सनलाइट, यानी ऊन मतलब ऊन, वूल। खत, खत मतलब होता है खाद, फर्टिलाइजर, और यहाँ पे खत होता है हिंदी का मतलब होता है पत्र, लेटर। घास मराठी में होता है उसका निवाला, और हिंदी में घास मतलब ग्रास। जाड़ा मराठी में जाड़ा, जाड़ा मुझे क्या है, मोटा, फैट पर्सन, और हिंदी में जाड़ा का मतलब होता है ठंडी। क्या होता है उसका मतलब, ठंडी। तो ये हमारे क्या होते हैं, उसमें थोड़े से सेम शब्द हो जाते हैं। आगे हम जानेंगे बचाव कैसे करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे।